आज के अमूल पेज की लाइव रेसिपी में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ पनीर वेज क्रिस्पी बॉल्स। उसके लिए मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं पनीर, प्याज, गाजर, रेड, ग्रीन एंड येलो कैप्सिकम्स, मिर्च, और स्पाइसेस में डालेंगे हम ओरिगानो, चिली फ्लेक्स, चाट मसाला, और बाइंडिंग के लिए आप वैसे तो मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बच्चों के लिए बना रही हूँ तो उसके लिए मैं डालूंगी चावल का आटा। अब पहले हम इसमें पनीर ले लेंगे। मैंने यहाँ करीबन 200 ग्राम पनीर लिया है। फिर हम उसमें 2 टेबलस्पून प्याज डालेंगे, 2 टेबलस्पून हरी शिमला मिर्च, 2 टेबलस्पून येलो शिमला मिर्च, 2 टेबलस्पून रेड शिमला मिर्च, 2 टेबलस्पून कैरेट, और जितना तीखा आप ले सकते हो उस हिसाब से ग्रीन चिली डालें। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना डालें तब भी चलेगा, और टेस्ट में स्पाइसेस के हिसाब से हम थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं, थोड़ा सा ओरेगानो, और इस बॉल्स को चटपटा टेस्ट देने के लिए हम थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, इस सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं या इसमें से कुछ कम भी कर सकते हैं। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है हमारा मिक्सचर। अब इसमें बाइंडिंग के लिए मैं डाल रही हूं थोड़ा सा चावल का आटा, 2-3 टेबलस्पून, इसको हम हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसका एक हमें डो बनाना है। अब हमको अपने बोल को फ्राई करना है, इसलिए हम तेल भी गरम करने रख देंगे साथ में। यहाँ पे देख रहे हैं आप अमूल की प्रोडक्ट्स, अमूल मलाई पनीर, अमूल चीज सॉस, अमूल शुगर फ्री आइसक्रीम, अमूल रोस्टेड आलमंड आइसक्रीम, अमूल गोल्ड मिल्क, अमूल चीज स्लाइस, अमूल बटर, जो कि अभी काफी कंफर्टेबल छोटे से पाउच में भी आता है, और अभी अभी अमूल का आता है देसी काउ मिल्क भी। ये सारे अमूल के प्रोडक्ट्स हैं। देखिए अब ये हमारा डो की तरह मिक्स हो रहा है, तब इसमें से हम बनाएंगे छोटे छोटे बॉल। थोड़े से दबा के बनाने क्योंकि इसमें पनीर और वेजिटेबल्स है, ताकि हम जब फ्राई करें तो ये खुल ना जाए। इस तरह से हम बच्चों को पनीर और वेजिस का सारे न्यूट्रिशंस भी दे सकेंगे और काफी टेस्टी डिश भी बन जाएगी। इसको आप टी टाइम स्नैक में भी बना सकते हो, या फिर बच्चों के लंच बॉक्स की रेसिपी में लंच बॉक्स रेसिपी भी दे सकते हो। अगर सब वेजिटेबल्स और पनीर अवेलेबल है तो सिर्फ 10 मिनट में ये रेसिपी बनके रेडी हो जाएगी। अमूल के सारे प्रोडक्ट्स काफी अच्छे आते हैं। मैं तो अपने घर में जितने भी चीजें हैं अगर अमूल की अवेलेबल है तो और कोई ब्रांड लाती ही नहीं हूं। अब हमने अपने बॉल्स बनाने शुरू कर दिए। पहले आपको तेल को हाई हीट पे गर्म करना है, फिर जब अच्छे से तेल अगर तेल की आंच कम होगी तो आपके बॉल शायद अलग हो जाए, मतलब फट जाएंगे बॉल। तो पहले तेल अच्छी तरह से हो जाए, फिर उसको मीडियम फ्लेम पे हम गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। पहले एक छोटा सा बॉल डाल के हम देख लेते हैं कि हमारा तेल हो गया कि नहीं।
अभी थोड़ी देर है। ये देख के आपके मुंह में पानी आया कि नहीं, मुझे तो बहुत मन कर रहा है। आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब देखिए हमारा तेल भी गर्म हो गया है तो हम उसमें अपने बॉल्स फ्राई करते हैं। फिर हम फ्लेम को थोड़ा सा डाउन कर देंगे ताकि हमारे बॉल अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। इसको मीडियम फ्लेम पे काफी क्रिस्पी करना है। मैंने ऑलरेडी आपके लिए ये बॉल फ्राई करके रखे हैं। ये रहे हमारे पनीर क्रिस्पी बॉल्स। एक चीज का फ्रेंड्स आप ध्यान रखना, इसको जब भी फ्राई कर लो तो टिश्यू पेपर पे मत डालना वरना वो सोगी हो जाते। अगर आपको क्रिस्पी करारे चाहिए बॉल्स तो उसको किसी भी झाली वाले डिश पे लेना। देखिए ये हमारे क्रिस्पी बॉल्स रेडी है।